सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए। आज की तारीख है 14 अक्टूबर, दिन है बुधवार, CW क्लास UKG ई की मात्रा। अब ई की मात्रा कैसे बोलते हैं? ई ऐसे बोलते, थोड़ा झटका देके ई ई ई ऐसे बोलते, थोड़ा झटका लेके, ठीक है? अब देखो कैसे मैम अब बताएंगी कहाँ पे लगनी है ई की मात्रा। हमेशा व्यंजन से पहले लगती है, वन स्टैंडिंग लाइन अप स्विंग लाइक दिस। हाँ, के अब इसमें भी मैम ख में भी लगाएंगी, खे, वन स्टैंडिंग लाइन अप स्विंग, गे, घे, इसको ड खाली को छोड़ देंगे, ठीक है? नेक्स्ट च, च में छोटी की मात्रा छि, छ, छि, ज, जि, झ, छि, घे को छोड़ देंगे। ट के आगे लगाएंगे मैम टी, ठी, डी, ढी, ण को छोड़ देंगे मैम। क्या के लगाएंगे? वन स्टैंडिंग लाइन अपर स्विंग, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बी, भी, मे, इ, वि, लि, वि, शि, से, हे, ऐसे ही इन सब में छोटी ई की मात्रा लगाकर हम समझेंगे कि ई की मात्रा कहाँ पे लगती है। व्यंजन से पहले लगती है। किससे पहले लगती है? व्यंजन से। यहाँ पे देखिए मैम ने व्यंजन से पहले छोटी ई की मात्रा लगाई है ना, तो ऐसे ही आपको भी व्यंजन से पहले छोटी ई की मात्रा लगा के समझना है कि ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, ठीक है? बाय बाय।